बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज यानी कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यानी कि मुखिया के पद की जिम्मेदारी संभाली है डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने। कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर बगरहट्टा को सरकार ने कल प्राचार्य पद पर नियुक्त किया था। कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने डॉक्टर बगरहट्टा को कार्यभार ग्रहण करवाया। इस दौरान काफी संख्या में कॉलेज के चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर बगरहट्टा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। इस मौके पर डॉक्टर बगरहट्टा ने पोस्ट इंडिया संवाददाता विकास शर्मा से खास बातचीत की और अपना विजन बताया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुखिया के पद पर आज राजीव बगरहट्टा जी ने काम संभाल लिया है। हमारे साथ मौजूद है राजीव बगरहट्टा जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी और कह सकते हैं कि बड़े अस्पताल की और मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी दी गई है सर। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ना केवल मुझे हर्ष हो रहा है पर मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को मैं अपनी पूरी कोशिश से इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि जो लीगेसी मुझे प्राप्त हुई है, जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर निरंतर काम प्रगति हुई है, उसको मैं पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, जो सरकारी जो इतनी सारी जो योजनाएं आई हैं उनके, जो यहाँ पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, उसकी मेरा प्रयास रहेगा। और जिस बात के लिए एसएमएस आज तक जाना गया है, यहाँ के एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, उसको मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि यहाँ के निकले हुए छात्र, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, चाहे सुपर स्पेशलिस्ट हों, वो कभी भी देश में बाहर यहाँ से निकलें बाहर और इसको इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करें। सर, जहाँ तक प्रतिष्ठित पोस्ट की बात है, इस पोस्ट को कांटो भरा ताज भी कहा जाता है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, चाहे अटैच अस्पतालों के अंदर मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने की बात करें। और इस वक्त जो बड़ी चुनौती है वो निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जाँच योजना, उन दोनों को ओपीडी आईपीडी में लागू करना है, तो उसके लिए कैसे प्रयास रहेंगे कि उनका एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है बात। हाँ, ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस वाला जॉब है, लेकिन थोड़ा सा स्टडी और अध्ययन करने पे ये पता लगा है कि फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, सरकार ने सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा आपस में सामंजस्य की शायद कमी है। तो मैं सोचता हूँ उसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। आपस में जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो हमें निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड कर रही हैं या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें आपस में सामंजस्य अगर हम बैठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ये कहते हुए यहाँ ये बात ज़रूर है कि इसमें कुछ गुंजाइश है इसको ठीक करने की, बट मैं रोज़ाना देखता हूँ कि जिस प्रकार से जो रोगी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे अस्पताल में, जो निःशुल्क योजना के तहत आ रहे हैं उनको, और जिस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे प्रशासन ने उनको हेल्प करने की कोशिश की है, वो एक बहुत ही एग्जेम्पलरी है। मैं नहीं समझता कि देश के किसी भी प्रदेश में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध होगी कि पेशेंट चल के आ रहा है, उसको केवल अपने डोमिसाइल का कार्ड दिखाना है एंड ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर फ्री ट्रीटमेंट, कितनी भी कॉस्ट है। काफ़ी कुछ उसमें कर लिया गया है, थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है। सर, देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो आपके अंडर में रहेगा एसएमएस अस्पताल, और वहाँ का फुटफॉल जो है सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर साल 40 लाख के आसपास मरीज यहाँ पर अस्पताल में अटैच होते हैं, तो उनके लिए कैसे मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, चाहिए और कोई बात करें, मैन पावर मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके लिए कैसे क्या नया कुछ करना पड़े। हाँ, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हमें एक तो थोड़ा सा ह्यूमन एंगल देना पड़ेगा, ह्यूमन टच टू द सर्विसेज देना, मैं समझता हूँ मानवीय दृष्टिकोण उसमें अगर हम रखेंगे तो उसमें इनकी सुविधाओं का विस्तार बेहतर तरीके से होगा। साथ में मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम आईटी को इन्वॉल्व करेंगे, जिस तो आईटी से हमारी कुछ आईटी एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वी कैन आउटसोर्स टू आईटी पीपल, कुछ काम कर रही हैं और उनको हम साथ में लेके उनसे रेगुलेट करके, मैं सोचता हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट की जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, 40 साल का आपका अनुभव है एसएमएस अस्पताल का और मेडिकल कॉलेज से अटैच होने का, क्या मानते हैं आपकी तीन प्रमुख प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी काम करने की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे स्टडी की बात करें, चाहे वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात करें। देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया, बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में और भी बाकी सब एस्पेक्ट्स के बारे में पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रगति की गई है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है और मुझे केवल इसको आगे बढ़ाने की बात है। तो मैं समझता हूँ मेरा काम काफ़ी कुछ आसान कर दिया गया है, मेरे जो प्रीवियस प्रेडेसेसर रहे हैं
काफ़ी प्रिंसिपल रहे हैं, और अभी जो इमीडिएट प्रीडेसेसर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब, उन्होंने डेफिनेटली काफ़ी मेहनत करके और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। पहली चीज़ तो ये रहेगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रखने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि पेशेंट्स का चाहे उनको सुविधा, चाहे उनको पता है कि योजना है, पर उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को लाभ पहुँचाया जाए कम से कम टाइम में, वो मेरा एक सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। और फाइनली एकेडमिक एक्सेलेंस, मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर ऑल पब्लिश ऑलरेडी, हालांकि बहुत पब्लिश, हमारा नंबर बहुत अच्छा है, इसी के रहते हमारे अभी जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है SMS मेडिकल कॉलेज को प्रदेश देश के 14वें मेडिकल कॉलेज के रूप में उसकी रैंकिंग मिली है, जो मैं समझता हूँ किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। सर इसी के साथ एक अंतिम सवाल मेरा यह है, राजीव बरगट्टा एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में पहचान है, लेकिन साथ एक अलग पहचान, पर्सनल अगर पहचान बात करें तो लेखक के रूप में जानकारी है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके आप लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, और कह सकते हैं मेडिकल क्षेत्र को लेकर के काफ़ी कुछ आपने लिखा है, कुछ इशूज उन पर भी लिखा है, तो आगे भी क्या इस तरह से लिखते रहेंगे, और साथ में स्टूडेंट्स को लिखने के प्रति बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रोत्साहित करेंगे? ये मैं कहूँगा कि मेडिकल जो मेरी प्रोफेशन है, उसके अलावा जो ये लिखने का शौक़ है, जो ये मेरा, मैं सोचता हूँ कि अभी भी जारी रहेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के रोज़ाना 1 या 1.5 घंटा लिखने की कोशिश करता हूँ, और वो इशूज़ ना केवल मेडिकल से संबंधित होते हैं पर हमारी डे टू डे लाइफ स्टाइल के बारे में भी, डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस उसके बारे में है, और बड़े इंस्पायरिंग हैं, बड़े हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि अभी जारी रहें। इसके अलावा मैं आई हैव बीन अ वेरी रेगुलर टेनिस प्लेयर, अभी मैं रोज़ाना खेलता हूँ, आई थिंक मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो देखिए हमारे साथ राजीव बरगट्टा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्राथमिकता रहेगी, साथ में उन्होंने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट और साथ में एकेडमिक एक्सेलेंस दो उनका जो प्रमुख है रहेगी। अब देखना ये है कि इनकी चुनौतियों पे वो कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फैशन न्यूज़ जयपुर।